केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स इस बजट से इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। आयकर विभाग के अनुसार 2022 में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न का लगभग 50% सैलरीड क्लास ने भरा था, इसलिए ऐसे टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट 2023 में उनके लिए कुछ खास ऐलान करेंगी। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा था कि वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहे दबाव को समझती है, सरकार उनके हित में आगे भी कदम उठाएगी। वहीं बढ़ती महंगाई की वजह से लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में टैक्स पेयर्स नए टैक्स सिस्टम के तहत 2.5 लाख की इनकम छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए की उम्मीद कर रहे हैं। 2.5 से 5 लाख तक की सैलरी पर 5% और 5 से 7.5 लाख पर 20% टैक्स देना पड़ता है। वहीं इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत हर साल टैक्स पेयर्स को निवेश पर 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। टैक्स पेयर्स इस लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर बजट में सरकार इस पर फैसला लेती है तो टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं PPF, ELSS, NSC, NPS, बैंक FD जैसे सेविंग ऑप्शंस इसी के तहत आते हैं।